वाराणसी में स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन 2022 को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि कोरोना महामारी के समय हेल्थ आर्मी ने देश को बचाया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ समाज समृद्ध राष्ट्र बना सकता है, इसके लिए देश के सभी नागरिक स्वस्थ रहें, यह हम सभी की जिम्मेदारी है। इस मौके पर उन्होंने गाँव में 5 से 6 हजार क्षमता वाले वेलनेस सेंटर खोले जाने पर जोर दिया। हम हेल्थ को कैसे एक्सेसिबल करें, हेल्थ को कैसे अफोर्डेबल करें और हेल्थ को कैसे यूनिवर्सल करें, उस दिशा में गहरा चिंतन और मनन करेंगे। एक ऐसा उपक्रम है जो एक नया भारत का दिशा निर्देश भी है। केवल क्या भारत सरकार की ओर से हम कोई विषय तय करें और उसका इम्प्लीमेंटेशन देश में करने की कोशिश करें तो क्या सचमुच समझ पर सफल हो सकते हैं? क्या केवल राज्य की ओर से ही प्रयास हो या तो जिस प्रयास जिसके लिए हो रहा है और जिसके द्वारा हो रहा है ऐसे मेरे सीएचओ के द्वारा ही प्रयास हो? जी नहीं, हमें कोई गोल को अचीव करना है तो भारत सरकार, राज्य सरकार और उस विषय के जुड़े हुए सभी हमारे ऑफिसर्स डॉक्टर्स को साथ में मिलकर प्रयास करना होगा।